गुड इवनिंग एवरीवन। तो देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कॉमन नेम इन आईयूपीएसी नेम्स ऑफ द कंपाउंड्स के बारे में, और कल हम लोगों ने बात की थी अल्काइल हैलाइड्स की। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड्स के कॉमन और आईयूपीएसी नेम हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसके बारे में कल हम लोगों ने जानकारी ली थी। आज हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट के कंपाउंड जो मैंने आपको होमवर्क के तौर पर भी दिए थे, अल्कोहल के। ठीक है, तो मैं अल्कोहल से वापस स्टार्ट करवाता हूँ, आप सिर्फ चेक कर लीजिए आप लोगों ने जो नाम लिखे हैं अल्कोहल के वो सही है या गलत है। ठीक है, तो नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो अब अल्कोहल में सबसे पहले हम इसका जनरल स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। देखिए, इसी में किसी भी कंपाउंड का जनरल स्ट्रक्चर नहीं लिखा था, लेकिन अभी मैं वापस से जनरल स्ट्रक्चर लिख कर दे रहा हूँ सभी का। तो अल्कोहल का जनरल स्ट्रक्चर होता है ROH, फाइन। देन इसका कॉमन नेम जो होता है वो होता है अल्काइल अल्कोहल। ठीक है, और देन इसका आईयूपीएसी जो नेम होता है वो होता है अल्कानॉल। नाम हमें लिखने हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कंपाउंड आता है इसमें वो आता है CH3OH, बराबर है। ये सबसे पहला मेंबर होता है आप लोगों के अल्कोहल का। ठीक है, तो CH3OH, इसका नाम क्या होता है CH3OH का, इसका कॉमन नेम होता है क्या होगा, कॉमन अल्कोहल। हाँ, और आईयूपीएसी नेम क्या होता है इसका, मिथानॉल होता है। देन सेकंड इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है CH3CH2OH। अब इसका कॉमन नेम क्या होगा, इथाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, इथेनॉल। देन थर्ड स्ट्रक्चर होता है हमारा CH3CH2CH2OH, और इसका कॉमन नेम क्या होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा CH3CH OH CH3, इसका कॉमन नेम क्या होता है, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी क्या होगा इसका, प्रोपेन टू ओल, बराबर है। लेटर ऑन अब देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, इसका नाम जरा सा बता दीजिएगा मुझे। हाँ बताइए, इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, बताओ भाई स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर? हाँ सर, बताइए नाम क्या होगा इसका। सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल। मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताया था सेकेंडरी प्रोपाइल नाम की कोई चीज होती है क्या, या फिर सेकेंडरी प्रोपाइल को ही हम क्या कहते हैं, सेम ही रहेगा ना ऊपर वाले की जैसा। भाई ये वाला और ये वाला स्ट्रक्चर सेम ही है, समझे ना, सिर्फ क्या किया गया समझ में आ गया, जहाँ OH था वहां CH3 डाल दिया गया और जहाँ CH3 था वहां OH डाल दिया गया। लेकिन अगर आपने इन लोगों का नाम लिखने की कोशिश की आईयूपीएसी नाम, तो इसका प्रोपेन टूल हो रहा है तो इसका भी नाम क्या होगा, क्या नाम होगा इसका भी आईयूपीएसी, प्रोपेन टूल।
हाँ तो मतलब दोनों भी स्ट्रक्चर सेम है। तो भाई स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है ये अगर जानना है आप लोग को, तो सबसे आसान तरीका है उसका आईयूपीएसी नेम लिखो। आईयूपीएसी नेम सेम आ रहा है मतलब आप लोग का स्ट्रक्चर भी सेम हो रहा है, समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा कौन सा? CH3, CH2, 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 OH। चलिए बताइए इसका नाम क्या होगा, क्या नाम होता है इसका? एम ब्यूटाइल अल्कोहल, एन-ब्यूटाइल अल्कोहल। और आईयूपीएसी नेम क्या होगा? ब्यूटेनॉल। बीटानॉल, बराबर है। तो ये हो गए हमारे चार स्ट्रक्चर। अब पांचवा स्ट्रक्चर निकालते हैं हम लोग, ठीक है। तो पांचवा स्ट्रक्चर मेरा ये है CH3, CHOH, CH2, CH3। तो बताइए इसका नाम क्या है? पता नहीं, छठा स्ट्रक्चर है। बताइए इसका नाम क्या है? आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। ध्यान दीजिए मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले ग्रुप को पहचानो। ग्रुप को पहचानने के लिए फंक्शनल ग्रुप को हटा दो। अब देखो क्या देखना है, अभी यहाँ पर सबसे पहले फ्री वैलेंसी। वैलेंसी क्या देखना है? फ्री वैलेंसी का कौन कौन से कार्बन पर अटैच है? से कार्बन पर है, तो कौन से कार्बन पर है वो? सेकेंडरी। सेकेंडरी। और कितने कार्बन है टोटल? चार। चार। तो नाम क्या होना चाहिए इसका? सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अब ध्यान दीजिए, हालांकि आप लोगों ने इसका स्ट्रक्चर ये वाला बनाया होगा, सही है? हाँ हाँ। तो अब देखो ये और ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है। मैंने अभी आपको बताया स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है, ये जानने का सबसे आसान तरीका क्या है? आईयूपीएसी आईयूपीएससी नेम। नेम। तो बताइए अभी इसके आईयूपीएससी रूल के हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर बताइए। सबसे पहला रूल क्या होता है? लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन। सेकेंड रूल? नंबरिंग। नंबरिंग। तो लेफ्ट साइड से दे दूंगा। हाँ नेक्स्ट रूल? रूट वाइज। रूट वर्ड। और क्या होगा रूट वर्ड? ब्यूट। नेक्स्ट रूल? प्राइमरी प्राइमरी सफिक्स। सफिक्स क्या होगा? एन। नेक्स्ट रूल? सेकेंडरी सफिक्स। फंक्शनल सेकेंडरी सफिक्स। तो सेकेंडरी सफिक्स का मतलब क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप। ग्रुप। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ओएच सेकंड कार्बन। ओएच का सफिक्स क्या होता है? तो ओएल। वो सेकंड नंबर पर अटैच है, इसलिए नाम क्या होगा इसका? ब्यूटेन टू ओएल। अब इसका भी आईयूपीएसी लिखते हैं। चलो बताओ लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन में कितने कार्बन आएंगे? चार। चार आएंगे। देन नंबरिंग कहाँ से देंगे, नीचे से या लेफ्ट साइड से? नीचे से। नीचे से। 1, 2, 3, 4। देन नेक्स्ट रूल, रूट वर्ड? ब्यूट। ब्यूट। प्राइमरी सरफेस? एन। सेकेंडरी सफिक्स? टू ओएल। से नंबर पर, सेकंड नंबर पर। तो इसका भी नाम क्या हो गया? सेम ही हो गया। ब्यूटेन टू ओएल मतलब दोनों स्ट्रक्चर सेम है। सेम है, समझ में आ गया? तो स्ट्रक्चर सेम है या नहीं है ये जानने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है? उसका आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम लिखना, ठीक है। देन नेक्स्ट, चलो अभी इसका नाम बताइए, क्या नाम होगा इसका? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। वेरी गुड। कॉमन नेम क्या होगा इसका? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल।
अब हम लिखते हैं इसका आयुपीएसी। बताइए आयुपीएसी क्या होगा? अरे बताओ ना क्या होगा इसका आयुपीएसी? प्रोपेन टू ओल। लेटर ऑन नेक्स्ट नंबर एट। चलो अब इसका वाला स्ट्रक्चर बताओ मुझे। सॉरी ये गलत है। तो सबसे पहले इसको हम क्या कौन से फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे? इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब बताओ ना क्या होगा नाम? भाई नाम क्या होगा? हेलो आवाज आ रही है आपको? हाँ सर। तो फिर नाम सही है ना इसका? इतना क्यों कंफ्यूजन हो रहा है भाई? सेकेंडरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल कैसे होगा ये? मैंने ऑलरेडी बताया था कि भाई पहले ग्रुप देखो। ग्रुप फंक्शनल ग्रुप को हटाने के बाद फ्री वैलेंसी कौन से कार्बन पर आ रही है? हमारे CH2 पर। तो ये वाला कार्बन कौन सा कार्बन है? प्राइमरी। प्राइमरी कार्बन है। और प्राइमरी कार्बन रहा तो तीन ग्रुप बन सकता है, या तो नॉर्मल, या तो आइसो, या तो नियो। तो नॉर्मल है क्या ये? ये ग्रुप नॉर्मल क्या नहीं है? क्योंकि सारे के सारे कार्बन स्ट्रेट चेन में नहीं है। नेक्स्ट आइसो है क्या? हाँ। बराबर है। तो मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया? दिस वन इज एन आइसोब्यूटाइल अल्कोहल होता है ये। समझ में आ गया? हाँ। नेक्स्ट अब इसका आयुपीएसी बताइए। आयुपीएसी क्या हो जाएगा इसका? टू मिथाइल प्रोपेनॉल हो जाएगा। ठीक है। देन नेक्स्ट वाली चीज चलो अब इसका नाम बताइए क्या हो जाएगा नाम इसका? भाई नाम बताइए ना इसका क्या नाम होगा? तो पेंटाइल अल्कोहल। एन पेंटाइल अल्कोहल। क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ये कैसे बनाया जाएगा? CH3 CH2 तीन टाइम है, जबकि ये स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगे। ये CH2 थ्री टाइम स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगे, एज अ ब्रांच प्रेजेंट नहीं रहेंगे। अब एज अ ब्रांच क्यों प्रेजेंट नहीं रहेंगे ध्यान दीजिए। अब ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप ये CH2 को एज अ ब्रांच रखना चाहोगे तो इसका मतलब ये CH2 जो है CH2 तीन टाइम, ये या तो ये CH3 के साथ अटैच होने चाहिए या फिर ये CH2 के साथ अटैच होने चाहिए। बराबर है। बट मुझे बताइए ये वाले कार्बन की वैलेंसी
तीन है, मतलब इसकी कितनी वैलेंसी फ्री है? एक एक ही वैलेंसी फ्री है, मतलब ये तीन CH2 में से ज्यादा कितना CH2 अटैच हो सकता था इसका? एक ही, मतलब एक दो तो बच जाते थे। और अगर मैंने ये CH2 को रखा होता तो ये CH2 के साथ OH ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मतलब इस कार्बन की कितनी वैलेंसी बची है? कितनी वैलेंसी बची है? एक ही बची है, बराबर है। तो भाई ऐसे केस में ये क्या बनेगा, इसकी एक वैलेंसी बची है और इसकी भी एक वैलेंसी बची है, और कितने CH2 है मेरे पास? तीन CH2 है, तो इसका मतलब ये तीनों CH2 कैसे आने चाहिए? स्ट्रेट चेन में आने चाहिए, समझ में आ रहा है? तो अब इसका नाम लिखते हैं, तो नाम क्या हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो OH प्राइमरी कार्बन पर अटैच है और सारे के सारे कार्बन कैसे हैं? स्ट्रेट चेन में, स्ट्रेट चेन में रहने है। इसका मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया? नॉर्मल ग्रुप, मतलब N, बराबर है। हाँ, अब नेक्स्ट टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? पांच। तो पांच है, मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया? पेंटाइल, बराबर है। और OH है, OH मतलब क्या है? अल्कोहल। इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? N पेंटाइल अल्कोहल, क्लियर है? हाँ सर। देन अभी इसका IUPAC, तो IUPAC क्या हो जाएगा इसका? पेंटेनॉल, बराबर है। देन अब नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलो अब इसका नाम बताइए। तो स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करेंगे, तो जैसे स्ट्रक्चर दिख रहा है सबसे पहला CH3 दिख रहा है, तो CH3 लिख लेते हैं। अब CH3 की कितनी वैलेंसी बची है? एक, तो एक वैलेंसी निकाल लेंगे। CH3 के बाद में CH है, अब CH की कितनी वैलेंसी बचेंगी? तीन, जिसमें से एक इधर साइड में, एक इधर साइड में दे दूंगा और एक नीचे साइड में दे दूंगा। अब नीचे साइड के वैलेंसी के साथ कौन अटैच करूंगा मैं? OH, बराबर है। देन इसके बाद में क्या है? CH2 है, कितने डाई में CH2? दो, पहले मैं एक CH2 लिख लेता हूँ। अब एक CH2 लिखने के बाद इसकी कितनी वैलेंसी बचेंगी? एक, तो मैं ये इधर दे दूंगा। फिर मैं ये दूसरा भी CH2 डाल दूंगा, फिर दूसरा CH2 डालने के बाद उसकी भी कितनी वैलेंसी बचेगी? एक, और फिर फाइनली मैं क्या लिखूंगा? CH3, बराबर है। स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। हुआ या नहीं? हेलो, हाँ, तो अब इसका नाम लिखते हैं। तो बताओ अभी नाम लिखने के लिए कॉमन नेम, तो कॉमन नेम के लिए हम सबसे पहले ये OH को हटा देते हैं, फंक्शनल ग्रुप को। तो बताओ फ्री वैलेंसी अभी कौन से कार्बन पर आ रही है? सेकेंडरी पर आ रही है, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सेकेंडरी लिख लेंगे। देन नेक्स्ट इज टोटल कार्बन कितने हैं? पांच। हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर? पेंटाइल। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है इसका? अल्कोहल, राइट। तो OH के लिए हम क्या लिख लेते हैं? अल्कोहल, समझ में आ रहा है? अब इसका IUPAC बताइए, क्या हो जाएगा IUPAC इसका? लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन आएंगे? पांच। नंबरिंग लेफ्ट साइड से देना पड़ेगा, क्योंकि OH है जो कि फंक्शनल ग्रुप है जिसका नंबर कम से कम आना चाहिए। देन रूट टुवर्ड इसका क्या हो जाएगा? पेंट। देन प्राइमरी सफिक्स क्या हो जाएगा इसका? एन। सेकेंडरी सफिक्स हो जाएगा इसका OL, जो कि सेकंड नंबर पर है, तो क्या हो जाएगा इसका IUPAC?
बराबर है, डन। अब नेक्स्ट, ये वाला स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सीएचटी लिखेंगे। अब सीएचटी की कितनी वैलेंसी फ्री है, एक। इस एक के साथ क्या अटैच करेंगे, सी। अब सी की कितनी वैलेंसी फ्री है, तीन। तो एक ऊपर एक साइड में एक नीचे, बराबर है। और फिर जैसे ये सी के साथ सीएसटी दो ब्रैकेट में लिखे है, बराबर है। तो सीएसटी दो ब्रैकेट वाले कहाँ लिखूं मैं, ऊपर नीचे, एक ऊपर और एक नीचे, बराबर है। लेटर ऑन फिर क्या आ रहा है, सीएसटी, और फिर क्या आ रहा है, ओए। तो चलो अभी इसका कॉमन नेम बताइए, ये वाला ग्रुप कौन सा हो जाएगा। देखिए फंक्शनल ग्रुप को हटा दिया तो फ्री वैलेंसी कौन से कार्बन पर अटैच है, प्राइमरी कार्बन पर। और प्राइमरी कार्बन पर अगर फ्री वैलेंसी अटैच है, इसका मतलब वो कौन कौन सा ग्रुप हो सकता है, नॉर्मल, आइसो, आइसो या फिर नियो। तो इसमें से ये कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है, नियो, बराबर है। तो नियो पेंटाइल, क्योंकि टोटल पांच कार्बन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, नियो पेंटाइल अल्कोहल। क्या नाम हो जाएगा इसका, नियो पेंटाइल अल्कोहल, बराबर है। लेटर ऑन अब इसका आईयूपीएसी लिखेंगे, तो रूल फॉलो करो। सबसे पहला रूल, सेकेंड रूल, नंबरिंग, जो कि मैं राइट साइड से दे दूंगा क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है वहां पर। देन नेक्स्ट रूल, क्या होगा, रूट वर्ड, ओके। देन नेक्स्ट रूल, क्या है वो, ओएल, कौन से नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर है, तो फर्स्ट नंबर लिखने की जरूरत नहीं, प्रोपेनॉल। फिर नेक्स्ट रूल, कौन से नंबर पर कौन से प्रेफिक्स है, सेकंड नंबर पर मिथाइल, दो मिथाइल है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, टू टू डाइमिथाइल प्रोपेन। तो ये हो गया इसका आईयूपीएसी नेम, क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर, तो चलो अभी इसका नाम लिखते हैं। बताइए स्ट्रक्चर को निकालेंगे कैसे, निकालेंगे पहले सी निकालते, वेरी गुड। सी निकालने के बाद क्या करेंगे, इसकी वैलेंसीज निकालेंगे, कितनी वैलेंसीज है, चार, चार, तो एक दो तीन चार। अब ये चौथे वैलेंसी के साथ क्या अटैच करेंगे, CH2 के बाद में क्या है, OH, OH।
इसका मतलब ये जो तीन सी एच थ्री है ये सी के साथ अटैच है इधर में, बराबर है। अरे यार ये स्ट्रक्चर सेम हो गया, एक्सट्रीमली सॉरी। ये वाला स्ट्रक्चर चलो बताओ इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। बताइए सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे? कार्बन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो कार्बन ड्रॉ करने के बाद इसकी कितनी वैलेंसी निकालेंगे? चार वैलेंसी निकालेंगे। अब ये स्ट्रेट चेन में क्या अटैच करेंगे? क्या क्या अटैच करना है? CH2 अटैच करूं? CH2 अटैच करने के लिए कहा आपने? ओके, फिर CH2 की कितनी वैलेंसी फ्री रहेंगी? एक। और उस एक वैलेंसी के साथ क्या अटैच करूंगा? CH3। ओके फाइन, देन नेक्स्ट। अब बची हुई तीन वैलेंसी के साथ क्या अटैच करूं? OH। ओके फाइन, देन नहीं वो CH2 के बाद जो CH3 उसके साथ OH। इसके साथ OH लास्ट वाला CH3 उसके साथ। लास्ट वाला CH2 थोड़ी है, CH3 है ना। फिर उसके साथ OH कैसे अटैच होगा? बताओ भाई OH किसके साथ अटैच करूं? सी के साथ। किसके साथ? सी के साथ, राइट। क्योंकि ये सी और OH दोनों बाहर है, इसका मतलब ये OH सी के साथ अटैच है। देन ये दोनों CH3 सी के साथ ही अटैच है, तो ये होता है हमारा स्ट्रक्चर। चलो अब इसका नाम बताओ, कॉमन नेम। तो OH सबसे पहले हटा देता हूं। बताइए अभी फ्री वैलेंसी कौन से कार्बन पर है? टर्शरी, मतलब ये टर्शरी ग्रुप हो गया। और टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? टोटल कार्बन कितने हैं इसमें? पांच। मतलब ये कौन सा ग्रुप हो गया? पेंटाइल अल्कोहल। अब इसका IUPAC बताइए। भाई रूल फॉलो करो और बताओ फटाफट। टू मिथाइल, टू मिथाइल ब्यूटेन,
2-ol. वेरी गुड, 2-methyl-butan-2-ol, ये इसका आयुपेसी हो जाएगा. क्लियर है? ठीक है, अब चलो नेक्स्ट वाला देख लेते हैं हम लोग. तो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूं. चलो अब इसका नाम बताइए. सबसे पहले स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करो, बताओ स्ट्रक्चर क्या बनेगा. ये आपको दिख रहा है ना, तो ज्यादा ही ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कर देता हूं इसको ठीक. सी एच इन ब्रैकेट सी एच थ्री सी एच टू, ठीक है. चलो बताओ अभी स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करो क्या होगा, बताओ. सबसे पहले क्या लिखूं, क्या लिखूं सबसे पहले, अरे भाई बताइए क्या लिखूं सबसे पहले. ब्लर दिख रहा है सर, ब्लर दिखाई दे रहा है सर, थोड़ा ज़ूम करूं सर. चेक करो अभी दिखाई दे रहा है. हाँ हाँ, तो बताइए अभी कैसे लिखो इसको. C2H5, वेरी गुड. देन C-H-3, C-H-2, O-H, that's good. ठीक है, चलो अब इसका नाम बताओ. कॉमन नेम ओ एच हटा दिया जाएगा तो फ्री वैलेंसी कौन से कार्बन पर अटैच होगी आपके. प्राइमरी. तो प्राइमरी होगा, तीन ग्रुप हो सकते हैं, नॉर्मल या फिर आइसो या फिर नियो. तो इसमें से कौन सा ग्रुप है ये. आइसो ब्यूटेन. आइसो क्या ब्यूटेन. आइसो कितने कार्बन है टोटल. पांच कार्बन है तो भाई क्या होगा ये. पेंटाइल. तो पेंटाइल अल्कोहल होगा. अब आयुपीएसी बताइए इसका. थ्री मिथाइल पेंट
पेंटिंग क्या पेंट रूल फॉलो करो मिट्टा रूल फॉलो करो अच्छे से पहला रूल क्या है लॉन्गेस्ट चेन एक आप बनाएंगे आपके लॉन्गेस्ट चेन में चार कार बना रहे हैं C2H5CH और CH2 चार सेकंड रूल नंबर राइट साइड से वेस्ट साइड से मतलब 1 2 ये दोन कार बने मतलब 3 और 4 अब नेक्स्ट रूल अब नाम बता दो भाई क्या होगा इसका नाम क्या हो रहा है इसका नाम 2-methyl-butanol क्लियर है गुड ठीक है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो एलिफेटिक वाले स्ट्रक्चर है अब हम एलिफेटिक साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर तो जैसे ये वाला स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं तो बताइए अब इसका कॉमन नेम क्या होगा कॉमन नेम हाँ कितने कार्बन है टोटल साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल वेरी गुड इसका कॉमन नेम क्या होता है साइक्लोहेक्साइल अल्कोहल दैट्स गुड अब इसका आईयूपीएसी बताओ साइक्लोहेक्सेनॉल वेरी गुड साइक्लोहेक्सेनॉल ठीक है अब चलो नेक्स्ट स्ट्रक्चर चलो इसका कॉमन नेम और आईयूपीएसी नेम दोनों भी बताइए कॉमन नेम क्या होगा इसका विनाइल अल्कोहल वेरी गुड क्या हो जाएगा इसका कॉमन नेम विनाइल अल्कोहल अब इसका आईयूपीएसी बताइए इथेनॉल रूट वर्ड ईथ प्राइमरी सफिक्स क्या होगा इथिनॉल देन नेक्स्ट ग्रुप चलो कॉमन नेम बताइए इसका भाई मैंने कल ही तो बताया था ये वाले ग्रुप को ध्यान में रखो अच्छे से क्या नाम है इस पर्टिकुलर ग्रुप का अलाइल अलाइल तो भाई ये तो ध्यान में रखना ही है हम लोग को अलाइल और ओएच का मतलब क्या होता है अल्कोहल अब इसका आईयूपीएसी बताओ क्या हो जाएगा आईयूपीएसी प्रोप टू इनॉल सही है गुड अब नेक्स्ट स्ट्रक्चर बताइए क्या नाम होगा इसका नीचे का नहीं दिख रहा बताइए क्या नाम होगा इसका